पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा का चुनाव समाप्त होने के बाद सभी राजनेताओं की जो निगाहें टिकी हुई है वो विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब इन सब के बीच बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2025 में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। आपको बता दें कि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया था 4 जून को, तो उसके ठीक एक दिन बाद 5 जून को सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उनके नेतृत्व में बिहार काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और बिहार के बड़े नेता हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। और अब अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दे दिया है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए 2025 में। आपको बता दें कि दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में हमारा दायित्व बनता है, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए, इसके लिए जो भी तपस्या और बलिदान करना होगा वो हम करेंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी कह चुके हैं कि बिहार में ना कोई किंग है और ना कोई किंग मेकर है। बीजेपी के पूर्व सांसद के इस बयान से बिहार में एनडीए गठबंधन को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इधर राजद ने पूर्व मामले में चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी जेडीयू के साथ छल कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि 2025 में बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बने, भाजपा कार्यकर्ता होने की वजह से ये उनका सपना है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी हुई है, भाजपा आयातित लोगों को मंत्री सांसद विधायक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संगठन के मूल आधार पर भाजपा के लोगों को ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बने लेकिन उसका नेतृत्व भाजपा ही करे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 5 जून को बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, वो बिहार के नेता है। पत्रकारों ने जब सम्राट चौधरी से पूछा था क्या बीजेपी 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, इस पर सम्राट चौधरी ने कहा था कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, बिहार में 1996 से हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वही अब अश्विनी चौबे के बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने के बयान पर भाजपा ने उनसे किनारा कर लिया है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में ही होगा, बीजेपी लड़ेगी, इससे लेकर केंद्रीय और राज्य नेतृत्व दोनों लोग सहमत है। आपको बता दें कि पार्टी लाइन लेंथ से अलग पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे ने आज जो बड़ा बयान दे दिया है दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान, उन्होंने बातचीत के दौरान यह कह दिया है कि 2025 में भाजपा की सरकार हो और यह भाजपा के नेतृत्व में हो। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे, सारा बलिदान करेंगे, त्याग करेंगे, लेकिन 2025 जो है वो भाजपा के नेतृत्व में ही भाजपा की सरकार आएगी बिहार में, बड़ा दावा करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।